फ्रेंड्स, सोनल फ्रॉम यूएसए में आपका सबका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अमेरिका में 4th of July, विच इज इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिन, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मैसाचुसेट्स की, जो एक अमेरिका का स्टेट है, उसकी बिगेस्ट एंड बेस्ट परेड। दिस इज द बिगेस्ट एंड बेस्ट परेड इन मैसाचुसेट्स, इन एंटायर स्टेट। तो इसमें बहुत सारी विविधता होती है। एक तो बहुत ही कैजुअल होती है, लोग 5 बजे से लेके ऑलमोस्ट 7-7:30 बजे तक यहाँ आके बैठे, अपनी कुर्सियाँ लगा के। पहले तो यहाँ पर दे ऑल सेट एंड बुक देयर सीट्स इन एडवांस, 2 दिन एडवांस में ही सब लोग पहले से ही अपनी चेयर्स लगा के बैठ जाते हैं। और बहुत विविधता होती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एंटी कार्स आती है, अलग अलग टाइप की कार्स आती है, आर्मी टैंक्स, एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स, अलग अलग टाउन की चीज़ें आती है, जैसे ट्रॉलीज आती है, म्यूजिक बैंड्स आते हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे कम एंड दे पिक। इवन फॉर किड्स दे ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स, लाइक जुरासिक पार्क का ट्रक आया था, कुछ कैरेक्टर्स आए थे। तो पहले सब पैट्रियोटिक चीज़ें आके गई, आप जैसे देख रहे हो बैंड्स आके गए, और उसके बाद थोड़ा फन टाइम था, जैसे बच्चों का कैरेक्टर्स आके गए, मैरियो ब्रदर्स आके गए, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो आप देखते रहिए और बने रहिए एंड तक, ये मैसाचुसेट्स की स्पेशल बिगेस्ट एंड बेस्ट परेड। और इसी तरह से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है, जहाँ पर नॉर्मली लोग आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, किसी को कंपल्सरी बुलाया नहीं जाता, अपने आप लोग आते हैं, अपने फैमिली के साथ बैठते हैं, परेड देखते हैं। लगभग 2 घंटे का परेड होता है ये, और 2 घंटे के परेड के बाद एट दी एंड रात को 9 बजे जब अंधेरा होने लगता है, तभी नॉर्मली फायरवर्क्स होता है। और उसके पहले टाउन कुछ कॉन्सर्ट वगैरह रखती है, नॉर्मली कोई वाटर बॉडी होता है, उसके आजू बाजू में ही फायरवर्क्स होता है। और यहाँ रूल्स इतने अलग हैं कि मैसाचुसेट्स में फायरवर्क्स इज़ इलीगल, बट उसके नेबरिंग स्टेट न्यू हैम्पशायर में इट इज़ लीगल। सो आपको लगेगा कि लोग पटाखे देखने क्यों आएंगे, क्योंकि मैसाचुसेट्स में कोई पटाखे उड़ा ही नहीं सकता। सो उनको अगर फायरवर्क्स देखना है तो टाउन का फायरवर्क्स देखने आना पड़ता है। नॉर्मली इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फायरवर्क्स, जहाँ पे बहुत अलग अलग कलर्स आते हैं। तो आप अभी बने रहिए और देखते रहिए ये मैसाचुसेट्स की 4th of July इंडिपेंडेंस डे की परेड, स्वतंत्र दिन कैसे अमेरिका में सेलिब्रेट किया जाता है। और एंड तक बने रहिए, बिकॉज एंड में देखिएगा आपको फायरवर्क्स। और फायरवर्क्स जब एंड होता है, आपको देखते हैं फायर फ्लैग के कलर्स, और इसके बाद we'll be right back.
ट्रक्स जो थे बहुत ही क्यूट थे. दिस इज अ न्यू एडिशन दिस ईयर. मिनी ट्रक्स आप देख रहे हो, उसमें जो लोग बैठे हैं उनके हाइट का है लगभग. सो ये बच्चों के लिए कुछ अट्रैक्शन बनाया था. तो बहुत मज़ा आया बच्चों को. सब लोग आके हाई फाइव दे रहे थे. एक ट्रक में एक टेडी बियर को रखा हुआ था. सो इट वॉज अ फनी इवेंट फॉर किड्स एज वेल. ये अजीबो गरीब तरीके की एक मोटर बाइक है जिससे लोग स्टंट्स कर रहे थे. आप देख पा रहे हो ये थ्री व्हीलर बाइक्स है जहाँ पे लोग आए उन्होंने स्टंट्स किए गोल गोलों में और ये जा रहे हैं. Easy at the time. देख रहे हैं कि जैसे परेड खत्म हुई लोग जा रहे हैं, पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग दे हैव ड्रेस्ड अप लाइक फ्लैग डिपिक्टिंग फ्लैग क्लोथ. ये देखिए मेरे पीछे एक मोहतरमा जा रही है जिन्होंने फ्लैग का डिपिक्शन वाली गाउन पहना हुआ है. जैसे बहुत लोग आते हैं, जैसे बहुत सारे गियर्स मिलते हैं, जैसे सिर पे लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, स्लीपर्स होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं. पीपल ट्राई टू वेयर दोज काइंड ऑफ गियर्स, अपैरल्स, हैट्स. पेट्स के लिए भी लोग स्कार्फ्स और ये करते हैं. जैसे ये खत्म हो गया परेड, ये जो कार्ड्स आई थी, ट्रॉलीज आई थी छोटी,
वो अपने अपने कंटेनर में चली गई और टाउन ने स्पेशली वाटर अरेंज किया था सबको ताकि सबको पानी मिले। शाम को पानी जहाँ था वहाँ पे वाटर बॉडी थी, जहाँ पे फायरवर्क्स होने वाला था वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स आए हुए थे। जैसे यहाँ पे वड़ा पाव तो मिलता नहीं है, तो ऑफकोर्स क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलता है हॉट डॉग और दूसरा मिलता है फ्राइड डो एंड फ्राइज। फ्राइड डो क्या होता है? फ्राइड डो इज समथिंग बट अपना भटूरा होता है ना वैसे फ्राइड होता है वो, और उसके ऊपर ये शुगर डाली है वाइट कलर की एंड जूसेस ये वो, और वो जो दिख रहा है पर्पल कलर का वो है पोर्टेबल टॉयलेट जिसको वाटर बॉडी बोलते हैं। और ये देखिए ये वेंडर्स हैं, अभी ये सब लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ, कॉन्सर्ट वगैरह सब लोग आते हैं फैमिली के साथ, चटाई डालते हैं टॉवल डालते हैं और नीचे बैठ जाते हैं लॉन्च में चेयर्स लेके आते हैं, स्पेंड देयर होल इवनिंग हियर। उसके बाद अंधेरा होता है तो फायरवर्क्स चालू होता है। हमारे यहाँ पे स्केड्यूल था मैसाचुसेट्स का ये फेयर होने के बाद 5 to 7 परेड था, उसके बाद 9 बजे का स्केड्यूल था फायरवर्क्स का। तो फायरवर्क्स के लिए लोग ये देखिए आके तैयार होके बैठे हैं एंड इट्स अ फन एनवायरनमेंट एंड इट्स अ फन टाइम 4th of July। अगर लोग बाहर भी जाते हैं कहीं घूमने ड्रिलिंग विलिंग करने तो भी वो सारे गियर्स लेके जाते हैं, या तो प्लेट्स टेबल क्लॉथ्स, आपको दिखेगा कि सब पेट्रियोटिक ही होता है, फ्लैग्स लगाए होते हैं जगह जगह। सो इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ईयर। जैसे लोग अपना पेट्रियोटिज्म डेकोरेशन से दिखाते हैं, कपड़ों से दिखाते हैं, ये देखिए कैसे लोग बैठे हैं। अभी आप देखिए फायरवर्क्स, जैसे अंधेरा होगा फायरवर्क्स होगा और एंटक बने रहेंगे बिकॉज जब फायरवर्क्स खत्म होगा फ्लैग के कलर्स आएंगे और फिर फायरवर्क्स। फायरवर्क्स खत्म हुआ, लोगों को इतनी खुशी हुई, लोगों ने तालियां बजाई, ये देखिए लोगों ने तालियां बजाई फायरवर्क्स खत्म होते ही। और इस तरह से रहा हमारा ये 4th of July का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। आपको कैसे लगा जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सबको फॉरवर्ड करके दिखाइए कि अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट होता है। चलिए फिर मिलते हैं सोनल फ्रॉम USA में, बाय बाय।